सो ही गाइस, आज हम बात करेंगे कि लाइफ में क्या सीरियस बहुत रहने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। देखिए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो एंड यू आर टू सीरियस अबाउट योर डिज़ायर्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उल्टा आपके लिए साइड इफ़ेक्ट का काम करेगी। लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। एंड जहाँ तक मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने कोई चीज़ फन वे में ट्राई की, जब भी मैंने मजाक में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, जहाँ पे ना ही मैं सीरियस थी ना मेरे अंदर कोई अटैचमेंट था चीज़ों के लिए, तब वो चीज़ें इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हुई है मेरी लाइफ में और इतनी ईजीली कि मैं क्या बताऊँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो जस्ट रिलीज़ कर दीजिए वो जो भी बर्डन है, जो भी वो एक अटैचमेंट है, जो नीडीनेस है, ठीक है, वो जो भी चीज़ है, जस्ट एक बार रिलीज़ कर दीजिए कि ओके एंड रिलैक्स हो जाइए। ट्राई कर रिलैक्स होने की, कई बार मुश्किल हो जाता है लेकिन यू कैन ट्राई एंड जस्ट थोड़ा रिलैक्स होके थोड़ा फन वे में ट्राई करिए कि चीज़ों को लाइटली लें, ठीक है। तो जस्ट जब आप इजीली चीज़ों को लेंगे, जब उसको एक्चुअल फॉर्म में देखना आप शुरू कर देंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, तब वो चीज़ की वैल्यू हम 100 गुना ज़्यादा कर देते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस एंड अटैच हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो हमारे पास इस वक्त नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोई चीज़ आ जाती है, हम कितना उसको फिर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नहीं ले लेते क्या? कितनी भी कोशिश करें उतना ग्रैटिट्यूड फील नहीं होता, डे बाय डे ग्रैटिट्यूड कम हो जाता है उस चीज़ के लिए, ऐसा होता है ना, क्योंकि वी टेक थिंग्स लाइटली आफ्टर having those things and जो भी desires हैं। तो आपको है ना lightly लेना है, हमें ये नहीं कि आप ungrateful हो जाइए चीज़ों के लिए, आप हमेशा gratitude express करिए, लेकिन जब तक आप attached रहेंगे, serious रहेंगे, too much effort करेंगे ना, तो उल्टा आपको results नहीं मिलेंगे। आपके अंदर एक प्रेशर बनता जाएगा माइंड में, कहीं ना कहीं लैक फील होगा, चीज़ें मुश्किल बनती जाएंगी एंड हमको ईजी करना है सब कुछ, मुश्किल नहीं करना है, ठीक है। तो डोंट बी टू सीरियस अबाउट एनीथिंग, इवन इसमें रिलेशनशिप भी आ जाती है, इस पर आपका खुद का सेल्फ भी आ जाता है, हेल्थ आ जाती है। मैं केयरलेस होने का नहीं बोल रही, ठीक है, वो भी आप समझिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि इग्नोर कर दीजिए सब चीज़ों को, लेकिन जस्ट टेक एवरीथिंग लाइटली, ठीक है, एंड चीज़ों को उनका जो इम्पोर्टेंस है वो दीजिए, लेकिन ये चीज़ समझिए कि वो चीज़ इस वक्त आपके पास नहीं है तो इट्स टोटली फाइन, ठीक है। कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी हम खुद डिले कर देते हैं, हमारे अंदर की ब्लॉकेजेस होते हैं जिसकी वजह से हम वो चीज़ों को नहीं ही अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए ट्राई टू टेक एवरीथिंग लाइटली एंड टेक एवरीथिंग ईजी, ठीक है। जितना हम बोलते हैं ना टेक इट ईजी, लेकिन एक्चुअली में हम वी डोंट टेक एनीथिंग ईजी, हम सबको बहुत मुश्किल ही समझते हैं सारी चीज़ों को एंड वी टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली एंड फिर डिफ़िकल्ट बनता जाता है। तो वो चीज़ ट्राई करिए, ठीक है, कि जितना आप आराम से चीज़ों को देखेंगे एंड आराम से रिलैक्स होकर करेंगे, एक वो नीडीनेस ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। नीडीनेस कहीं कोई अटकेगा नहीं, ठीक है, लाइफ रुकेगी नहीं, हम हैं अभी भी, आगे चलते रहेंगे, ठीक है। सो लाइफ नहीं रुकने वाली, सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कीप गोइंग, हैव पेशेंस एंड जस्ट एन्जॉय दी लिटिल मोमेंट्स, एन्जॉय दी करंट मोमेंट, या जो इस वक्त है उसको एन्जॉय करने की कोशिश करें, ना कि जो चीज़ नहीं उसको पाने के लिए सब कुछ भूल जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल अचीव करना है, सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, लेकिन एक रिलैक्स होके एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ना कि प्रेशर कुकर चला के करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए एंड जब आप इजीली सब चीज़ों को लेंगे, जब इस तरीके से आप करेंगे ना, तो सच में चीज़ें इजी हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ इजी, वी आर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो बस यही चीज़, छोटी सी बात मुझे समझानी थी इस वीडियो में एंड बस फिलहाल यही था। आई रियली होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।